इसमें ABCD सील और ग्रीन पेपर स्ट्रिप को कैसे सीयू को सील किया जाएगा ये बताया जा रहा है। सबसे पहले जो नंबर वाला पोर्शन है वो नीचे से इसको इंसर्ट करेंगे, नंबर वाला पोर्शन आपको दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद जो ये ब्लू वाला कंपार्टमेंट इसको क्लोज़ करेंगे, हालांकि इन्होंने अभी स्पेशल टैग लगाना था, यहाँ स्पेशल टैग नहीं लगाया है, इसको ध्यान रखें स्पेशल टैग ज़रूर लगाएं। अब इसके बाद आपने जो है दूसरा वाला कंपार्टमेंट भी क्लोज़ करना है, और साथ ही साथ ABCD स्ट्रिप जो कि ग्रीन पेपर स्लिप को अटैच करते हुए सेंट्रल यूनिट को क्लोज़ करेगी, उसका ए सिरे को का जो वैक्स पोर्शन है वो हटा के निचले वाले सिरे से जोड़ेंगे। पहले कुछ लोग को पहले से ही फोल्ड कर लेते हैं, इसमें फोल्ड नहीं किया गया है, इसमें बाद में फोल्ड किया जा रहा है, वो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद बी सिरे को भी का वो जो प्री गम पोर्शन है उसको हटाया, अब उसको जो है वापस इसके साथ मोड़ कर इसको चिपकाएंगे। ये बी वाला पोर्शन देख रहे हैं आप चित्र में चिपका चिपकाया जा रहा है। इसके बाद सी वाला पोर्शन हटाएंगे, और वो जो नंबर स्ट्रिप है ग्रीन की जो जिसमें नंबरिंग सिस्टम था ऊपर वाला पोर्शन, इसको उसको चिपका देंगे। ये सी वाला पोर्शन चिपक गया। इसके बाद इसको पीछे से लाएंगे, ध्यान रखें जो क्लोज़ वाला जो काला बटन है ये इसके नीचे से जाए, इसके ऊपर ना जाए, क्योंकि जब आपकी पोलिंग क्लोज़ होगी तो बाद में इसको क्लोज़ करना पड़ेगा, इसको आपको खोलना पड़ेगा वो काला वाला पोर्शन, इसलिए ये ध्यान रखें कि उसमें ये चिपके ना। इस तरह से सी यू सील एंड पैक हो गई, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग लगाना।